नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्री फायर की जो नेटवर्क वाली सेटिंग आई है, और इस सेटिंग के अंदर आप यहाँ पर इसे ऑन करते हो तो ऑन करने के बाद यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। तो यहाँ पर ये सेटिंग कैसे वर्क करती है, जो यहाँ पर ये नेटवर्क वाली सेटिंग आई है इसका यहाँ पर क्या यूज है और कैसे इस्तेमाल करना है, आज की वीडियो में आपको यहाँ पर ये बताने वाला हूँ। तो इसलिए आप यहाँ पर इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपके समझ में आएगी कि यहाँ पर इस वाली सेटिंग को कैसे यूज करना है जो यहाँ पर नेटवर्क वाले ऑप्शन के नाम से आई हुई है। सबसे पहले यहाँ से मैं बैक आ जाऊँगा। बैक आने के बाद जब आप यहां पर इस सेटिंग को ऑन करोगे तो सेटिंग वाले ऑप्शन में ये सेटिंग आपको दिखाई दे जाएगी। हालांकि हमारी जो फ्री फायर गेम है इसके अंदर आपको यहां पर कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जो सेटिंग नाम से या जो नेटवर्क नाम से आपको मिल जाएगी, जैसे कि यहां पर रिपोर्ट, नेटवर्क इशू हो गया, बहुत सारी सेटिंग है। लेकिन इसी को देखते हुए यहाँ पर एक नई सेटिंग और ऐड हुई है जो यहाँ पर नेटवर्क नाम से हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आपको यहाँ पर दिख जाएगी नेटवर्क नाम से। तो आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर नेटवर्क वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। तो आप यहाँ पर जैसे यहाँ पर ऑन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आती है, और यहाँ पर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा कन्फर्म नाम से। तो इसका यहाँ पर मतलब क्या और कैसे यूज करनी है वो आपको बताता हूँ। तो आप यहाँ पर कन्फर्म वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो इससे हुआ क्या, जो आपके फ़ोन में वाईफाई है और जो आपका फ़ोन का नेट है वो दोनों मिक्स हो जाएंगे। पहले क्या होता था हमारी फ्री फायर गेम के अंदर, अगर आप यहाँ पर अपने फ़ोन का नेट चालू कर देते हो तो उसी नेट से आपका जो गेम है वो चलेगा, अगर आप यहाँ पर वाईफाई चालू करते हो तो वाईफाई से सिर्फ ये गेम चलेगा। लेकिन आप यहाँ पर कन्फर्म वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर मैं एक बार कन्फर्म वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके दिखा दूँ। तो जैसे यहाँ पर मैं कन्फर्म वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दूँगा, क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर क्या होगा, जो मेरे फ़ोन का नेट है और जो मेरा वाईफाई है वो दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। और दोनों के कनेक्ट होने से क्या होगा, जब हम यहाँ पर फ्री फायर गेम खेलेंगे तो वो लैग वगैरह नहीं करेगा। यहाँ पर इसी का यहाँ पर यही मतलब है, अगर हम यहाँ पर वाईफाई और फ़ोन का जो नेट है वो दोनों कनेक्ट हो जाया करेंगे, जैसे कि हमारा फ़ोन लैग वगैरह नहीं करा करेगा अगर आप यहाँ पर इस सेटिंग को ऑन करते हो। तो इस सेटिंग यहाँ पर बहुत ही कमाल की है, और आप यहाँ पर इस वाली सेटिंग को जरूर ऑन कर देना जिससे कि आपके फ्री फायर गेम के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि यहाँ पर हम वाईफाई यूज करते हैं तो उस समय क्या होता है, हमारे फ़ोन पर कोई कॉल नहीं आती और नेटवर्क इशू वगैरह देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर अब ऐसा नहीं होगा, अगर आप यहाँ पर फ़ोन का नेट और वाईफाई को दोनों कनेक्ट करके रखोगे तो ये दोनों से गेम चलेगा और अच्छी स्पीड देगा और लैग वगैरह नहीं करेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपके यहाँ पर समझ में आ गया होगा जो फ्री फायर का नया अपडेट है और जो नए यहाँ पर नई नेटवर्क नाम से सेटिंग आई है इसका यहाँ पर यूज किया और कैसे यूज करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और फ्री फायर गेम के अंदर नया इवेंट, रिडीम कोड, किसी भी प्रकार की नई जानकारी आती है उसे जानने के लिए आप हमारे इस वाले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।